मेरा तो सरकार से निवेदन है कि सरपंच शब्द को ही बैन कर दे सरकार। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहता हूँ कि सरपंच शब्द को सरकार बैन कर दे, इसकी जगह ग्राम सेवक शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आप तो पूछना चाहूँगा, जिस तरीके का आपने बताया कि नाम दया सिंह, वो दया किसी पर भी नहीं करे और ना शब्दम दया करे ना काम में दया करे। ग्राम सेवक लिखवाने के बाद फिर तो काम भी मतलब वो करने चाहिए जो उन्हें कहा गया भाई, एक तो न्यू कहा गया भले पछला भला को है दिया, फिर तो काम भी वो करने पड़ेंगे कि दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं सेवक था और मैंने कुछ करा। यह बात मैं समझाना चाहूँ था, ये आप समझ गए इस बात ने। जब ग्राम सेवक जब लिखने लगे तो लोग उस पर प्रेशराइज करेंगे, अपना नाम की तो इज्जत रख ले कम से कम। हर पद में राजा मुखिया तो पब्लिक होती है, आप जो पद आपको दिया है वो चाहे प्रशासनिक पद हो राजनीतिक पद हो, आप सिर्फ और सिर्फ सेवक बनते हैं, ना कि मुखिया बनते या राजा बनते। इस बात को प्रशासनिक पदाधिकारी भी अच्छे से समझ लें और राजनीतिक पदाधिकारी भी अच्छे से समझ लें, अपने आप को राजा या मुखिया ना समझें, अपने आप को सेवक समझें। 2000 मेरे ख्याल में 5 और 10 के बीच में जो ब्लॉक समिति थे ना, 10-15 के बीच में भाई साहब ब्लॉक समिति मेंबर भी थे, अगर ये इतने अच्छे नहीं होते तो दोबारा इनको कौन सरपंच बनाता। ये बात सही, इन्होंने उस टाइम पे भी तनमन धन से काम किया था और अभी भी भाई जिस दिन से सरपंच बना, मेरे ख्याल में हमारे 38 पंचायत हम सबसे ज़्यादा काम इस भाई ने करवा। और सरपंच जो शब्द है वो एक अभिमान का शब्द है, मेरी नज़र में अभिमान का शब्द है, अहंकार का शब्द है। और जो ग्राम सेवक शब्द है वो है सेवा का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। तो आपके अंदर ना एक भाई का नाम मान ले दया सिंह है, सब ने देख के जड़दा हो भीतर में रिशा हो, लोग के कहेंगे भाई अपने नाम की तो कदर कर ले कम से कम। अगर हमने सरपंच सब ने लिखना शुरू कर दिया तो सरपंच का मतलब ही अहंकार हो गया, सरपंच शब्द का मतलब ही अहंकार होता है, घमंड होता है। और जो ग्राम सेवक शब्द है ये एक सेवा का प्रतीक है, सेवा भाव का प्रतीक है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि सरपंच शब्द को ही बैन कर दे सरकार। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहता हूँ कि सरपंच शब्द को सरकार बैन कर दे, इसकी जगह ग्राम सेवक शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। ये मेरी सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अपना नहीं भी पता हुआ जो बयान आप देने लग रहे हो, बहुत सारे भाई जिन कई पीढ़ियां तक सपने देख रखे थे हम सरपंच बनाएंगे और गाड़ी पर लाल प्लेट भी लगवा रखी है, बड़े बड़े अक्षर में लिखवा भी रखा है, तो उनकी नींद हराम करने वाली मतलब अपना बयान दे दिया। तो इसमें नींद हराम की कोई बात नहीं, बात तो वही है, वो सरपंच किसी ग्राम सेवक लिख लेंगे, लेकिन ग्राम सेवक में वह चौधरी ही कौन बन दें जो सरपंच साहब इन का आकर नजर नज़र का तो पहला नज़र का इलाज नहीं है, नजरिया में खोट होता है। आपके नजरिए का इलाज हो सकता है, नज़र का नहीं, इसका नज़र का हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता इलाज। तो उनका नजरिया है जो ग्राम सेवक के प्रति वही बन जाएगा फिर बाद में, अब सरपंच के प्रति जो नजरिया वो फिर उसके प्रति बन जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन सर्व अहंकारी शब्द का खात्मा हो जाएगा। इसके जगह के सेवा भाव का प्रतीक जो शब्द है ग्राम सेवक उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो खुले तौर पर कहूँ यह बात, सरपंच शब्द बैन होना चाहिए, इसकी जगह ग्राम सेवक शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखवा है। जो 15 फोटो हैं तो एक बार मेंबर साहब हैं सत्यवान, श्री सत्यवान वार्ड नंबर 1 में, तो पहले नंबर में वो भी अपने साथ मौजूद हैं। तो सत्यवान जी राम राम। राम राम जी सोनू जी। वार्ड नंबर 1 के आप पंच? वार्ड नंबर 1 के पंच हूं जी। तो डॉक्टर साहब ने मतलब पंच और सरपंच मतलब ग्राम सेवक कह लो जो इन अपना लिखवाया है, कोई मतलब घना अंतर नहीं रखा, आत्मा आपकी न्यू तो खुश हुई होगी कि भाई वाले पंचांग है तो फोटो और नाम सारा सौदा है, लेकिन आज तो पहला नहीं। नहीं आज से पहले नहीं था, अरे भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, यो पहला अच्छी न्यू तो खुशी हुई होगी, गांव का गेट पर सरपंच के लाके अरे मेम्बर फोटो आ गए। ये तो सही बोले आपने, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इन्हें एक बयान और दिया कि सरपंच शब्द ना रखे ग्राम सेवक रखा जाए, इस पर क्या टिप्पणी आप? ये बात सही बोली है इन्हें, बिल्कुल सही बोली है, सरपंच की जगह ग्राम सेवक बहुत बढ़िया शब्द है, यदि कोई माने तो मानने पे बात है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आप तो पूछना चाहूँगा, जिस तरीके का आपने बताया कि नाम दया सिंह, वो दया किसी पर भी नहीं करे और ना शब्दम दया करे ना काम में दया करे। ग्राम सेवक
लिखवाने के बाद फिर तो काम भी मतलब वो करने चाहिए जो उन्हें कहा गया भाई, एक तो न्यू कहा गया है भले पछला भला को है दिया, फिर तो काम भी वो करने पड़ेंगे कि दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं सेवक था और मैंने कुछ करा। यह बात मैं समझाना चाहूँ था, ये आप समझ गए इस बात ने, जब ग्राम सेवक जब लिखने लगे तो लोग उस पर प्रेशराइज करेंगे अपना नाम की तो रख ले कम से कम, और सरपंच सेवक लिखवा दिया सेवा तो करे, सेवा तो करे, लोग उससे ये सवाल करेंगे इस चीज़ का, और जब सरपंच लिखा दिया सरपंच मरोड़ का शब्द है भाई साहब ये तो एक और हाँ, तो वो कुछ ना कुछ तो शब्द से झुकना शुरू कर देंगे बंदे, और फिर जिसमें उन्हें त्याग अपने कई बार तो क्या आदमी ना कर दे भी करना पड़ेगा उसने, तो ये शब्द उसका प्रेशराइज करेगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई सरपंच शब्द बिल्कुल बैन होना चाहिए, और इसकी जगह जो हमने लिखा है वो ग्राम सेवक सेवक शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस शब्द को मान्यता दें, और हर बोर्ड पर हर डॉक्यूमेंट में जो पंचायती डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें ग्राम सेवक शब्द ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर तथ्य पर देखा तो आप बहुत सारी बात सही करने लग रहे हो, दूसरी तरफ देखा तो लोग नहीं कहूँगे डिगान वाला सरपंच बिरानी के अगर कमान नगा टैप भी बंद करवाने का मुद्दा सारे पहली डिगान वाला सरपंच ने ठह दिया, सरपंच शब्द भी बहन करवाना मुद्दा ठह दिया, तो दो ये चीज़ हो या करे या तो मतलब नुकागर जनता आपकी दीवानी हो जाएगी भाई सरपंच देखे इस तक कम, और दूसरी यह हो सके है केड़ी का नाला सरपंच बोला या पागल हो गया बिरयानी केक के मतलब बंद करवा के छोड़ा। चलो वो तो भाई सब जनता का प्रेम बताओ भाई, मैं तो इसमें कह नहीं सकता, टैब में तो पूरा प्रेम दिखा दिया, बिल्कुल पूरा प्रेम दिखाया टैब में, जो जनता का प्रेम शाम ही आया हमारे उसमें मैं जनता का और तमाम हरियाणा के वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखो उन्हें जब गलत लगा कोई चीज़ उनका मेरे मुँह की बात छीन ली, तो उनके मुँह की बात छीन ली मैं कह नहीं पा रहे थे, हमने कह दी तो उन्हें जब मैं साथ दिया मेरा, जब उन्हें सही लगी है कि भाई जो सरपंच साहब ने पहले करी है वह सही है एक नंबर की है, जब मैं साथ दिया अगर वो गलत होती तो वो क्यों साथ दें मेरा, बिल्कुल ये बात थी। और भाई एक चीज़ ज़रूर हम कहना चाहोगे, देखो अच्छी बात है अगर देखा जाओ नहीं, चलो 5 साल है तरीबन है भाई ये तो सरपंच है एक गाँव का मुखिया है, इसके बाद अगर आप बात करा यानी एक MLA वो भी भाई सेवक हो है, यानी ये इलेक्शन के टाइम पर नहीं हम तो तरे सेवक हम तो तरे नौकर, हाँ MP वो भी सेवक हुआ है, CM वो भी सेवक हुआ है, हरियाणा का हुआ है कोई एक हल्का का हुआ है, और उसके बाद PM प्रधानमंत्री वो तो खुद क्या कर रहे हैं कि मुख्य सेवक। देखो भाई साहब चाहे कोई प्रशासनिक पद हो या कोई राजनीतिक पद हो, उस पर आप बैठे हो आसीन हो उस पद पर, हर पद में राजा मुखिया तो पब्लिक होती है, आप जो पद आपको दिया है वो चाहे प्रशासनिक पद हो राजनीतिक पद हो आप सिर्फ और सिर्फ सेवक बनते हैं, ना कि मुखिया बनते या राजा बनते, इस बात को प्रशासनिक पदाधिकारी भी अच्छे से समझ लें और राजनीतिक पदाधिकारी भी अच्छे से समझ लें, अपने आप को राजा या मुखिया ना समझें, अपने आप को सेवक समझें। लेकिन यह तो चीज़ उल्टी है, कुर्सी पर बैठे हैं तो लोग नहीं मतलब बात नहीं करते, हो सके है कि बरा मतलब आपा किसी का अलग अलग हंड दे कुर्सी बैठे हैं अगला अनुगा मैं तुम जान दें तो कौन है भाई, ये तो अपना नजरिया होता है सुनो भाई। नहीं आप भी तो देख दोगे जिस तरीके से MLA के इलेक्शन आवे हैं वोट मांगे हैं, जब पाँ पकड़ पकड़ कर वोट ले हुए तारे बालक हाँ तारे बेटे हाँ तारे बच्चे आशीर्वाद या पाइप लग गई छाए और कुर्सी पर बैठे हैं बच्चे तो मतलब मिलना ही बंद कर दे हैं, आपकी कुर्सी का घमंड की बात बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इसकी बात को नकार भी नहीं सकता कि भाई ये बात है, लेकिन नुका अगर जमा बीज मारी कौन हो रही कुछ ऐसे भी हैं, नहीं अच्छे तो हुए हैं देखो अपवाद हर चीज़ का होता है, अच्छे भी हैं प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं हमने देखा हमारे सामने आए हैं, और राजनीतिक पदाधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब क्या है उनकी गिनती कुछ चुनिंदा रह गई है 1% ये विडम्बना की बात है, और हो सकता है बदलाव आगे आने वाले समय में ज़रूर होगा और लोग इसको सेवक की भांति लेंगे, कोशिशें जारी है सरपंच की कोशिश जारी है, एक दो और ग्रामीण हूँ तब बात करांगे आप। राम राम जी। नमस्ते सोनू भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया। आपका नाम? मैं कुलदीप सरपंच अकालगढ़ से। अच्छा कौन सा गांव था? अकालगढ़ गांव से। अकालगढ़ अच्छा नजदीक में, तो वर्तमान सरपंच हो गए? वर्तमान सरपंच। ले भाई एक और भेट गया हमने। अच्छा कुलदीप तो लाल साल हमारे को होती है, ये भी न्यू बताओ ये तो सरपंच सरपंच ही टक्कर होगी, बीच में मैं खड़ा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाईचारा पहले है, जो डॉक्टर साहब ने बात कही है जी। आप मतलब ईमानदारी तो बताना अपने भित्रता ना न्यू भाई यू मारा गोती भाई है या मैं मतलब डिगाना में खड़े अपनी आत्मा से मतलब इन्हें ग्राम सेवक लिखवा दिया, कुछ अलग तो लिख रखे कुछ अलग है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें बहुत अलग किया भाई ने, राम भाई का स्वागत करा हाँ, जो एक इतनी अच्छी पहल इन्होंने की है ना, एक तो सबसे पहले जो DJ की पाबंदी थी वो हमारी जब भी मीटिंग हुआ करती
भाई इस मुद्दे को बार बार उठाया करता, भाई इसको इसके बारे में भी सोचो, ये इतनी तेज आवाज में म्यूजिक चलाओ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी सो रहा है, तो वो भी डिस्टर्बेंस, हाँ वो भी डिस्टर्बेंस होता। तो उसमें भाई साहब ने सभी को बोला था, एक दो साथी ने और भी इसको ऊपर इंटरेस्ट लिया है, जो ही पीछे भाई साहब ने टैब वाला मुद्दा उठाया था, वो भाई साहब ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो सबसे बढ़िया था, उसका जो आपके माध्यम से जो सोशल मीडिया पर प्रचार होया उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँ हूँ। ये वाकया में गलत चीज़ थी, भाई साहब ने इसका विरोध किया, वो सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ फिर मंत्री जी का बयान भी आया था, अगर भैया हम भविष्य में सोचेंगे इसके बारे में, बंद करना है कि नहीं करना है। शिक्षा विभाग का आदेश तो आए हैं कि शायद एक सर्वे करवाया जाओगा और शायद टैब वापस ले, इसका वापस लेने का बयान दिया है, वापस लेने का बयान शायद मेरे ख्याल में दिया है सरकार की तरफ से, एक कॉपी है। हाँ जी, तो और ये जो ग्राम सेवक का, ग्राम सेवक का भाई साहब ये बहुत बढ़िया शब्द है, हम तो ये कहा इस शब्द के ऊपर सरकार हर एक अधिकारी को ग्राम सेवक, उसकी जब जो उसकी नेम प्लेट जावा ना, हम कहीं भी डिपार्टमेंट में उसमें लिखा मिला है SDM फलाना, DC फलाना, उसके आगे लिखना चाहिए ग्राम सेवक SDM, मतलब जो जिस पद पर है उसको एक सेवक के रूप में, बिल्कुल सेवक के रूप में होना चाहिए। देखो वो जो आम आदमी होते हैं ना, उन्हीं के पैसों की जो आप वो भरा है, क्या बोलते हैं उसको, अपने GST वगैरह कह लो आप, जो टैक्स देवा है उसी से उनकी पे बनती है, बिल्कुल, और वो पे ये आम आदमी ही टैक्स पे करे है, तो उस टैक्स से उनको मिलती है, तो इस करके वो ग्राम सेवक ही हो, वो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं ले रहे तनख्वाह, तनख्वाह वो ले रहे हैं आम आदमी के, जो जेब से पैसा जाता है उससे तनख्वाह ले रहे, तो वो ग्राम सेवक ही शब्द सबके लिए होना चाहिए, ना कि सरपंच के लिए, और हम तो एक वहाँ हर आदमी की नेम प्लेट का ग्राम सेवक लिखा हुआ होना चाहिए। एक चीज़ और है, जिस तरीके से डिगाने की आप बात कर रहे हैं, गाम है जी। तो डॉक्टर विनोद की कह लो, ग्राम सेवक की कह लो, सरपंच की कह लो, वैल्यू है, तो ये अपना पद पर है, अगर गाम में नहीं है तो फिर एक क्लास सरपंच खड़े, बिल्कुल, देखो मतलब है तो गाम का गिल्ला, चाहे MP है, चाहे MLA है, चाहे SDM है, चाहे DC है, चाहे SP है, देखो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, गाम का सही हो के बगैर आप कोई भी अगर मतलब मुद्दा उठाओगे उसको सक्सेस करने में पूरे गांव का सहयोग चाहिएगा, और मैंने देखा है इस भाई के साथ पूरा गांव तन मन और धन से खड़ा रहा है, हमने एक दो भी जो भी प्रोग्राम वगैरह में यहाँ भी आए हैं तो इस भाई के साथ पूरा गांव खड़ा मिला हमने, तो इसी करके ने, अच्छा ये पीछे ब्लॉक समिति मेंबर भी थे ये भाई, 2000 मेरे ख्याल में 5 और 10 के बीच में जो ब्लॉक समिति थे ना, 10-15 के बीच में भाई साहब ब्लॉक समिति मेंबर भी थे, अगर ये इतने अच्छे नहीं होते तो दोबारा इनको कौन सरपंच बनाता, ये बात सही, इन्होंने उस टाइम पे भी तन मन धन से काम किया था, और अब भी भाई जिस दिन से सरपंच बना मेरे ख्याल में हमारे 38 पंचायत हम सबसे ज्यादा काम इस भाई ने करवा दिया, और तो मेरा नहीं अलग जरूर कर रहा है, देखो एक आध आदमी हुआ करे जो अलग करने की इच्छा रखा करे और हिम्मत किया करे, सही बात, ये भाई अलग करने की हिम्मत भी कर रहा है और अलग करने भी लग रहा है, तो हम भाई का शुक्रिया अदा करा। चलो भाई, और दूसरी चीज मैंने यह है, देखो मतलब इस डिगाना के बाद कितनी जो ग्राम पंचायत हैं, यानी कौन जो गांव का मुखिया है जो सरपंच बनाया गया है, कितने दोबारा इसके देखना था, मतलब बोर्ड पर जो है ग्राम सेवक लिखवाऊंगे, जो भी लिखवाऊंगे तो भाई फोटो जरूर भेजियो हमारा दौर है, और इस तरीके से जो जितने भी पंच हैं, घने पंच हैं तो ऊपर नीचे फोटो आ जाएंगे, बड़े छोटे साइज के आ जाएंगे, फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से यानी जो भी बनवाऊँ तो जरूर हमारा नंबर पे भाई आप व्हाट्सएप पे फोटो जरूर भेजियो, हम सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच नहीं पाओगे तो फोटो जरूर पोस्ट करांगे कि भाई मतलब देखो नहीं कहा करो शुरुआत एक के आदमी करे आ रहा किसी भी चीज़ की हो, भाई शुरुआत के बाद बदलाव करना भी अपना हाथ में होया करे, और जो ग्राम सेवक इन लिखवाया है, बाकी सारी बातों में आपका के कुछ मानना, आपके विचार के हैं, आपकी सोच के हैं, आपकी प्रतिक्रिया के हैं वो जरूर देनी है, और जो सरपंच साहब ने मुद्दा उठाया जो इन यू काम कराया है इसके ऊपर आपकी के प्रतिक्रिया जरूर आपने देनी। जय जवान जय किसान।